चमत्कारिक दृश्य महसूस करके साक्षात पुजारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। अभी जब आप इस घटना के पीछे का चमत्कार देखेंगे तो राम लल्ला के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप भी एक राम भक्त है और सच्चे सनातनी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। आज अयोध्या में राम लल्ला को देखकर हर कोई खुशी से झूम रहा है, और ऐसा हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार खत्म जो हुआ है, हर किसी की जुबान पर बस जय श्री नाम का ही जाप है। लेकिन अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि राम लल्ला की मूर्ति आखिर 1600 किलोमीटर दूर कहां और कैसे मिली, वे इसका पता कैसे चला, सब कुछ जानेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर राम लल्ला के भक्त है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के रायचूर जिले में यह चमत्कार हुआ है। एक गांव में कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। भगवान विष्णु की यह प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। खास बात यह है कि यह प्रतिमा बिल्कुल राम लल्ला की नवनिर्मित प्रतिमा से मिलती जुलती है। अगर आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो आप भी इस मूर्ति व राम लल्ला की मूर्ति में अंतर नहीं पता लगा पाएंगे। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्रतिमा स्थापित की गई है और मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया था। और तो और, मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगिराज को इस हाल ही में मिली प्रतिमा का कोई अंदाजा तक नहीं था। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये प्रतिमा 11वीं या 12वीं शताब्दी की हो सकती है। भगवान विष्णु की इस प्रतिमा के साथ ही एक प्राचीन शिवलिंग भी मिला है। भगवान विष्णु के इस विग्रह का रूप रंग और स्वरूप अयोध्या में राम लल्ला के भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित विग्रह से मिलता जुलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिमा एक मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा रही होगी। हो सकता है कि इसे मंदिर में हुई तोड़फोड़ से बचाने के लिए 1000 साल पहले नदी में डाला गया होगा। इस प्रतिमा को थोड़ी क्षति पहुंची है, मूर्ति की नाक थोड़ी क्षतिग्रस्त है। अब दोस्तों, आप ही बताएं कि यह रामलला का चमत्कार नहीं तो क्या है? ऐसा लगता है मानो रामलला के आने